नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडोफिल कंपनी के रिमोन इंसेक्टिसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या खास दिया गया है और इसको हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर कैसे कार्य करता है और इंसेक्टिसाइड किन किन कीटों को पूरी तरह नियंत्रित करता है और इसके डोज, प्राइस और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसके साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसी सेम मिश्रण का अन्य कंपनियों का किन किन ब्रांड्स में आता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ऐसी कृषि संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए। तो किसान भाइयों, रिमोन इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है नोवालुरॉन 10% EC। ये इंसेक्टिसाइड एक इमल्सिफिएबल कंसनट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक तरल लिक्विड के फॉर्म में आता है। रिमोन एक नोबेल इंसेक्टिसाइड है जो बेंजोइल फेनाइल यूरिया समूह से संबंधित है। ये इंसेक्टिसाइड मुख्यतः पेट क्रिया से कीटों को प्रभावी नियंत्रण करता है और इंसेक्टिसाइड कीटों के लार्वा के अवस्था में उनके चिटिन संश्लेषण में हस्तक्षेप करता है जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। ये एक IGR कंपाउंड भी है। यहाँ पर IGR का मतलब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब ये इंसेक्टिसाइड एक कीट विकास नियंत्रक है जो एक कीट की जीवन चक्र को रोकता है जिससे हमारे फसल पर आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। रिमोन इंसेक्टिसाइड में फाइटोटोनिक इफेक्ट भी होता है जिससे हमारा फसल हरा भरा दिखता है और उपज में भी वृद्धि देखने को मिलती है। रिमोन इंसेक्टिसाइड हमारे फसल के लाभकारी कीटों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस इंसेक्टिसाइड को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और प्लांट टॉनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रेनफास्टनेस के बारे में तो रिमोन इंसेक्टिसाइड छिड़काव के 3 से 4 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तब भी हमको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में तो रिमोन इंसेक्टिसाइड को कपास, मूंग, मूंगफली, चना, मटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर और बैंगन के अलावा अन्य अन्य सभी अनाज वर्गीय फसल और सब्जी वर्गीय फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में तो रिमोन इंसेक्टिसाइड सभी प्रकार के फसलों में फल छेदक इल्लियों को बहुत ही प्रभावी नियंत्रण करता है और उसके साथ अमेरिकन इल्ली, हरी इल्ली, छबेदार इल्ली, गुलाबी इल्ली, कैटरपिलर्स, पोड बोरर, DBM इल्ली, कॉटवर्म और स्पॉटेड पोड बोरर को पूरी तरह नियंत्रण करता है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो रिमोन इंसेक्टिसाइड को कपास के फसलों में 40 ml/20 L पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 400 ml मिलाकर छिड़काव करें और अन्य अन्य फसलों में 30 ml/20 L पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 300 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो रिमोन इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 15 दिन तक देखने को मिलता है। अब हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों, रिमोन इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 1600 से 1700 रुपये में मिल जाता है। अब हम जानेंगे कि इसी सेम मिश्रण का अन्य कंपनियों का किन किन नाम में आता है। तो किसान भाइयों, आप इसी सेम मिश्रण का आदामा इंडिया का पेडिस्टोल इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं या फिर स्वाल कॉरपोरेशन का रेमोस्टार इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं या फिर UPL लिमिटेड का यूनिरॉन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि रिमोन इंसेक्टिसाइड में जो टेक्निकल होता है नोवालुरॉन 10%, इन तीनों में वही सेम टेक्निकल होता है, सिर्फ कंपनी अलग होने से इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।